So, today we have discussed the lipid chemistry and its significance. स्लाइड्स विजिबल हो रही है बेटा? यस नाउ इंट्रोडक्शन टू लिपिड, दैट इज द ग्रीक वर्ड लिपी, दैट मीन्स फैट. These are the heterogeneous group of largely hydrophobic organic molecules. They are present in all type of cells. Make up 18 to 25% of body mass in lean adult. अगर एक एडल्ट का वेट है 60 kg, that means कि उसमें कितना परसेंट 18 to 25% आपके फैट का, आपके लिपिड का वेट होता है. That is, lipid are formed of long chain hydrocarbon group. Also contain oxygen, phosphorus, nitrogen and sulfur. They are the hydrophobic in nature. Hydrophobic in nature means they have long carbon chain. Non-polar. Hydrophobic in nature. So sparingly soluble in water, but freely soluble in organic solvents. Hydrophobic in nature है, lipophilic in nature है. लॉन्ग कार्बन चेन है, इसलिए ये वाटर में सॉल्वेबल नहीं है. जनरली ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्वेबल है. रिलेटेड मोर बाय देयर फिजिकल देन बाय देयर केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड फैट, ऑयल, स्टीरॉयड, वैक्सेस एंड अदर रिलेटेड कंपाउंड. एक्चुअली और पोटेंशियली रिलेटेड टू फैटी एसिड, एक्चुअली लिपिड दैट इज रिलेटेड टू द फैटी एसिड. फैटी एसिड दैट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फैट और लिपिड. जो लिपिड होता है उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो आपका फैटी एसिड होता है. दैट यूटिलाइज बाय द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो फैटी एसिड्स है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको यूटिलाइज करते हैं. एक्चुअली लिपिड देयरफॉर कैन इजिली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एसीटोन, ईथर, एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म. सो दीज आर लिपिड और फैट कैन इजिली एक्सट्रैक्ट बाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हम फैट को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं क्योंकि ये आपके फैट सॉल्वेबल कंपाउंड है, सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्वेबल कंपाउंड है. हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं या हम बोल सकते हैं लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं. लिपिड हैं, लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं. लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की ग्रुप होता है जिसमें ऑक्सीजन भी होता है, फास्फोरस या नाइट्रोजन या सल्फर भी एड अप होते हैं. नाउ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड. लिपिड का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है या ह्यूमन बॉडी में क्या रोल है इसका? फर्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी, रिजर्वायर ऑफ एनर्जी. ये बॉडी के लिए रिजर्वायर की तरह वर्क करता है. ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट गिव 9.3 किलो कैलोरी. इफ द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट गिव्स द 4.3 किलो कैलोरी. मैंने आपको डिफरेंस बताया, अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन होता है तो कितनी किलो कैलोरी आप एनर्जी ले रहे हैं, 9.3. और अगर आप कार्बोहाइड्रेट ही इतना लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो कितनी एनर्जी मिलती है, 4.3. आप डिफरेंस देख रहे हैं कहां 4 कहां 9, जस्ट डबल. सो दैट इज द रिजर्वायर ऑफ रिजर्वायर सोर्स ऑफ एनर्जी. बॉडी के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कौन फुलफिल करता है? लिपिड. इट इज हाई कैलोरिफिक वैल्यू. सेकेंड वन, प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड अराउंड सर्टेन ऑर्गन्स टू कीप देम इन पोजिशन. ये जो आपके जो भी आपका ह्यूमन है, जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एज अ प्रोटेक्टिव यानी एक लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह. मतलब अगर शेकिंग है या हल्का सा ट्रॉमा है या कुछ भी है तो उसको कवर अप करता है. दूसरा, दैट इज अराउंड सर्टेन ऑर्गन टू कीप देम इन अ पोजीशन. जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स जैसे लीवर है, स्प्लीन, ये ऑर्गन्स हैं, इनके आस पास फैट की लेयर या लिक्विड की लेयर रहती है जिसकी वजह से ये अपनी पोजिशन पे फिट रहते हैं. थर्मल इंसुलेटर, दे आर ऑल्सो एक्ट एज अ मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग एनिमल है या ह्यूमन है उसके लिए टेम्परेचर को मेंटेन करना, दैट इज डन बाय द लिपिड लेयर. जो लिपिड की लेयर होती है वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है, दैट इज थर्मल इंसुलेटर. बॉडी का टेम्परेचर 35.5
इतना ही मेंटेन रहता है उसके लिए आपके लिपिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मीन्स द लिपिड ऑल्सो अराउंड द नर्व्स, जो आपकी नर्व सेल्स होती हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, उनके ऊपर लिपिड की लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं जैसे माइलिन सीथ होता है, ठीक है। दे आर एक्ट एज द इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। प्रोस्टाग्लैंडिंस, सम हार्मोन्स, सम विटामिन्स, दे आर द सॉल्युबल इन द लिपिड। जो हार्मोन्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो भी आपके विटामिन्स हैं, विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन द लिपिड, सम हार्मोन्स विच आर स्टोर्ड इन अ लिपिड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दे आर द लिपोफिलिक इन नेचर एंड स्टोर्ड इन अ लिपिड, सो दैट आर द स्टोर्ड इन अ बॉडी इन अ लिपिड लेयर। ये सब आपके लिपिड लेयर में स्टोर होते हैं। डाइट्री लिपिड और डाइट्री फैट इज एसेंशियल आर एसेंशियल बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड एसेंशियल फैटी एसिड। इन द नेक्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस द एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल मतलब विच इज कम फ्रॉम योर डाइट। नेक्स्ट, बाइल साल्ट दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम लिपिड दैट हेल्प द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। जो भी आपके बाइल साल्ट हैं, यानी जो तीनों फॉलिक एसिड वगैरह होता है, दे आर द डिराइव फ्रॉम लिपिड, ये आपके लिपिड से ही डिराइव होते हैं, दैट हेल्प द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड। ये लिपिड के डाइजेशन को और लिपिड के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करते हैं। आपको पता है बाइल साल्ट कहाँ बनता है, बाइल एसिड आपको कहाँ बनता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। ये जो वहां से रिलीज होता है तो ये आपके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिपिड के लिए हेल्पफुल होता है। ये जो बाइल जूस बनता है या बाइल एसिड बनता है, इसमें जो बाइल है स्पेशली, ये बाइल जो है दैट इज डेराइव फ्रॉम द लिपिड, ये भी आपके लिपिड से ही डेराइव होता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स हैं आपके जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये सब आपके लिपिड से डेराइव होते हैं, यानी आपकी बॉडी में अगर लिपिड है तो ये उसी से बनते हैं। लिपोप्रोटीन्स मीन्स लिपिड कॉम्प्लेक्स विद द प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड इन अ प्लाज्मा। इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग मेनी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट लाइक ओबेसिटी एंड एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स व्हेन द लिपिड कंसेंट्रेशन इज हाई इन अ सेल व्हेन सम टाइम इट इज कॉज द ओबेसिटी अदर डिजीजेस लाइक ओबेसिटी यानी हाइपर लिपिड कंडीशन दे आर क्रिएट अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस लाइक ओबेसिटी एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। इनहांस द पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड, जिस खाने में थोड़ा ऑयल होता है वो खाना अच्छा लगता है, सो द लिपिड इज ऑल्सो इनहांस द पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड, फूड की पैलेटेबिलिटी को बढ़ा देता है। लिपिड बाइलेयर एसोसिएटेड विद द प्रोटीन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, उसमें लिपिड बाइलेयर जो है वो प्रोटीन के साथ, यानी जो लिपोप्रोटीन है उसके साथ वो लेयर फॉर्म करता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। नाउ दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द लिपिड। फर्स्ट वन, सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटेक्शन, थर्मल एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, हार्मोन्स, विटामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, बाइल साल्ट एंड लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड का क्लासिफिकेशन, जनरली लिपिड आर क्लासिफाइड बेसिकली इन द थ्री ग्रुप, सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड। कॉम्प्लेक्स लिपिड या फिर कंपाउंड लिपिड, तो डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट वन, सिंपल लिपिड। व्हाट इज द सिंपल लिपिड? सिंपल लिपिड दे आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस टाइप ऑफ एल्कोहल। सिंपल लिपिड क्या है? दे आर द ईस्टर। ईस्टर आपको पता है कौन सा ग्रुप होता है? आर सी ओ ओ आर, ठीक है। ईस्टर कैसे बनता है, अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो आपको पता है ईस्टर कैसे बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच जब रिएक्शन होती है तो ईस्टर बनता है, ठीक। तो सिंपल लिपिड क्या है? सिंपल लिपिड आर ईस्टर, ये ईस्टर है। किसके ईस्टर है? दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड वेरियस टाइप ऑफ एल्कोहल।
Now they have a simple lipid like two types, natural fat and oil. Fat and oil, waxes, these are the simple lipids. Natural fat, ester of fatty acid with glycerol. Fat and oil. What is the basic difference between fat and oil? That is single difference between that fats are solid in the normal temperature or at room temperature, but oil is a liquid at room temperature. फैट और ऑयल में वही डिफरेंस है जो आप अपने घर में देखते हैं. घर का मतलब जैसे आप घी और तेल, आपको पता है ना घी जनरली नॉर्मल, अभी नहीं इस समय का टेम्परेचर नहीं, ये टेम्परेचर तो थोड़ा सा हाई चल रहा है. आप मॉडरेट टेम्परेचर पर देखिए, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री होता है, आप 30 के आसपास टेम्परेचर देखिए, उस समय पे जो फैट होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, और जो ऑयल होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है. दूसरा डिफरेंस जो है वो जो फैट होता है वो आपका एनिमल ओरिजिन होता है, और जो ऑयल होता है वो आपका प्लांट ओरिजिन होता है या प्लांट सीड ओरिजिन होता है. एग्जाम्पल, दोनों ही आपके ईस्टर और फैटी एसिड ग्लिसरॉल होते हैं. जो फैट होता है, जो ऑयल होता है, केमिकली बोथ आर द ईस्टर और फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल. फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जिसके ऊपर आर यानी लंबी कार्बन चेन है, ठीक है. और ग्लिसरॉल, आपको पता है ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है उसके ओएच ग्रुप होता है, तीन कार्बन का कंपाउंड है जिसमें तीन ओएच ग्रुप लगते हैं, तो ये भी आपका अल्कोहल है. तो एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से ईस्टर बनता है. जो फैट और ऑयल होते हैं वो दोनों ही ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड का ईस्टर बनाते हैं. ग्लिसरॉल, इसमें जो अल्कोहल है वो स्पेसिफाइड है और वो है ग्लिसरॉल. जो ग्लिसरॉल अल्कोहल को यूज करते हुए जो फैटी एसिड के एस्टर्स बनते हैं वो फैट या फिर ऑयल होते हैं. फैट या ऑयल में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, जो फैट होते हैं वो लिक्विड स्टेट होते हैं, और जो सॉरी जो ऑयल होते हैं वो लिक्विड स्टेट होते हैं, और जो फैट होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर. थोड़ा सा डिफरेंस आप और देख सकते हो, जो ये जो आपके फैट है वो एनिमल ओरिजिन होते हैं, यानी जो घी है वो जनरली आपको मिल्क से मिलता है, और मिल्क इज ओरिजिनेट फ्रॉम द एनिमल्स होते हैं, ठीक है. और जो ऑयल होते हैं वो आपके सीड, प्लांट सीड ओरिजिन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉर्न, ग्राउंड नट ऑयल. दूसरा आपका आता है वैक्सेस, ये भी आपके सिंपल लिपिड में ही आते हैं. वैक्सेस, द ट्रू वैक्सेस, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड 14 to 36 विद हायर मॉलिकुलर वेट मोनोहाइड्रिक लॉन्ग चेन अल्कोहल. इसमें दोनों ही आपके लॉन्ग चेन अल्कोहल यानी आर ओ एच में जो आर का कार्बन होगा वो 16 से 30 के आसपास होगा, और जो फैटी एसिड है वो भी आपका 14 से 30 के बीच होगा. यानी जो एसिड और अल्कोहल है इनमें जो लॉन्ग चेन लगेगी वो 14 से लेके 30 के बीच होगी, इसलिए मॉलिकुलर वेट कैसा होगा, हाई होगा. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जो ग्लिसरॉल होता है वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है. ग्लिसरॉल में तीन ओएच ग्रुप होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में केवल एक ओएच ग्रुप होगा और वो सीओएच के साथ रिएक्ट करके ईस्टर को फॉर्म करेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका बीज वैक्स, लैनोलिन, स्पर्मेसिटिक ऑयल यूज, दैट इज दीज वैक्सेस एंड ऑयल यूज फॉर लोशन, पॉलिश एंड ऑइंटमेंट, इन सब के पर्पस के लिए यूज होता है. अदर वैक्सेस जैसे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर या विटामिन ए ईस्टर या विटामिन डी ईस्टर, ये यूज होते हैं. ये जो अदर वैक्सेस हैं आपके, इसमें कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है या विटामिन ए ईस्टर वगैरह भी है, इनको हम फोर्टिफाइड करते हैं जो हमारे ऑयल्स होते हैं. बहुत टीवी में आप एड देखते हो, देखते ही हो, टीवी तो देखते ही ना, तो उस टीवी में एक एड आता है, आप कभी भी देखिएगा, ऑयल का, स्पेशली एडिबल ऑयल का. एडिबल ऑयल में वो क्या कहते हैं, फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, फोर्टिफाइड विद विटामिन डी डालते हैं, तो हम यहाँ पर उसको ऐड कराते हैं, ठीक है. ए डी ई. नाउ नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स लिपिड और कंपाउंड लिपिड. कॉम्प्लेक्स लिपिड, सिंपल लिपिड आपको मैंने बताया, सिंपल लिपिड क्या है, दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस टाइप ऑफ अल्कोहल. और जो फैट एंड ऑयल्स होते हैं उसमें फैटी, दीज आर ऑल्सो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल. वैक्सेस क्या है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल, ठीक है. नाउ कॉम्प्लेक्स लिपिड,
Complex lipid are ester of fatty acid with alcohol and containing additional group. In addition of fatty acid and alcohol, certain lipid also contain some amphiphatic group. These are thus called as compound lipid. ये आपके जो compound lipids हैं या complex lipid हैं, हम इसलिए कहते हैं कि इसमें जो आपका lipid है वो किसी एक additional group के साथ add up होता है. जो additional group लगता है उसको prostatic group कहते हैं. अगर hydrolysis होगी तो prostatic group अलग हो जाएगा, यानी जो lipid है वो अलग हो जाएगा और जो additional group लगा है वो अलग हो जाएगा. ठीक. अब example, जैसे phospholipid, glycolipid. Phospholipid means fatty lipid or simple lipid conjugate with the phosphate group. यानी जो आपका lipid है उसके साथ एक group extra add हो रहा है वो है phosphate group. तो हमने नाम क्या रख दिया? Phospholipid. ऐसे ही आपका glycolipid. Glycolipid जिसमें हमारा lipid है और उसमें स्टिग्नोसिन लगता है तो स्टिग्नोलिपिड हो गया, या कोई भी कार्बोहाइड्रेट लग रहा है तो वो ग्लाइकोलिपिड में आएगा. जैसे लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन का मतलब है लिपिड विद प्रोटीन. सल्फोलिपिड यानी लिपिड के साथ सल्फर ग्रुप अटैच हो गया. अमीनोलिपिड यानी लिपिड के साथ अमीन ग्रुप अटैच हो गया. दिस इज द कॉम्प्लेक्स लिपिड और कंपाउंड लिपिड वेयर द लिपिड इज अटैच विद द एक्स्ट्रा कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप. दैट ग्रुप इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप. कंपाउंड लिपिड get converted into the simple lipid by the hydrolysis where the prosthetic group will be leave from the lipid. जब आपका prosthetic group lipid से अलग हो जाएगा तो वो simple lipid में convert हो जाएगा और जो compound lipid है वो simple lipid में convert होगा. For example, phospholipid है, glycolipid है, lipoprotein है, sulfolipid है, aminolipid. ये सारे example आपके complex lipid. Next one, derived lipid. Derived lipids, they are the derived from the simple lipid or complex lipid on the hydrolysis. These are the derived from the hydrolysis of the simple lipid. Upar derived lipids, they are the derived from the simple lipid or complex lipid on the hydrolysis. ये आपके derived lipids जो हैं, ये आपके derived एक बार तो हो जाते हैं hydrolysis के बाद ये बन जाएंगे. तो फिर ये दोबारा से आपके सिंपल लिपिड में कन्वर्ट नहीं होते. डेराइव्ड लिपिड, सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड ऑन द हाइड्रोलिसिस. फॉर एग्जांपल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोएसाइल एंड डाइसाइल ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड्स, लिपिड विद साइक्लोपेंटानेफेथाइल हाइड्रोफिनाइल फेनेंथ्रीन यानी स्टेरॉइडल रिंग इज फॉर्म्ड. डेराइव्ड लिपिड आपका वो लिपिड है जो सिंपल लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड जब हाइड्रोलिसिस होती है तो बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है. जो बेसिक यूनिट होती है लिपिड की, सिंपल लिपिड की, वो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. अब आपका जो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोएसाइल डाइसाइल ग्लिसरॉल, ये चार चीजें बन सकती है हाइड्रोलिसिस होने के बाद. अब वापस ये डेराइव्ड होती है और डेराइव्ड होने के बाद ये फिर से लिपिड में बनती है जिन्हें हम बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड. एक बार को अगर डेराइव्ड लिपिड आपकी फॉर्म हो गई वापस ये उसमें कन्वर्ट नहीं होता है. जैसे अभी मैंने आपको कंपाउंड लिपिड में बताया था कि अगर ये दोनों प्रोस्थेटिक ग्रुप अलग हो जाएगा तो सिंपल लिपिड फिर से बन जाएगा, लेकिन यहाँ ये कंडीशन नहीं आती है. फॉर एग्जाम्पल स्टेरॉइडल रिंग, स्टेरॉइड्स, जैसे लिपिड कन्वर्टेड इनटू द स्टेरॉइडल रिंग. अगर आपका लिपिड स्टेरॉइडल रिंग में कन्वर्ट हो गया तो अब इस स्टेरॉइडल रिंग का कहीं ना कहीं कंजक्शन होगा. कैसे कंजक्शन होगा, कहाँ यूज होगा उसका? जैसे कोलेस्ट्रॉल रिंग बनेगा. कोलेस्ट्रॉल पता है ना, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? बाइल एसिड बनेगा, हार्मोन्स बनेंगे, जो भी आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं वो, जैसे एर्गोस्टेरॉल वगैरह. उसके अलावा जैसे आपका प्रोस्टाग्लैंडिंस होते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिंस है दे आर डेराइव्ड लिपिड, ये भी आपके डेराइव्ड लिपिड से फॉर्म होते हैं. जैसे इकोसानाइड्स, अरेकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे पीजी, टैक, A2, टर्पीन्स, आइसोप्रीन यूनिट 5 कार्बन कंपाउंड होता है, जैसे कैरोटीन, विटामिन ए, ई, की एंड डॉलिकॉल, जैसे आपका CQN, सिक्वेलिन. ये सब आपके टर्पीन्स डेरिवेटिव्स हैं. ये प्लांट्स में भी बनते हैं और ह्यूमन में भी बनते हैं. ठीक है. अदर्स जैसे कीटोन बॉडीज, हाइड्रोकार्बन एंड अदर अल्कोहल, फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, नेचुरल लिपिड,
जैसे एसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, ये सारे जो हैं ये आपके डिराइव लिपिड्स में इंक्लूडेड होते हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका फैटी एसिड। तो नेक्स्ट संडे हम फैटी एसिड स्टार्ट करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है।